आज इस वीडियो में हम गैफी और उसके पापा को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। पापा, आपको पता है मुझे आज स्कूल में एक कहानी को पढ़ने का होमवर्क मिला है। क्या आप मेरी मदद इस किताब में से बंदर का मजाक कहानी को पढ़ने में कर सकते हैं? जरूर गैफी। हमारी मैडम ने ये भी कहा है कि हम सभी बच्चों को ये कहानी अपने शब्दों में भी सुनानी होगी। इसी के साथ इससे जुड़े सवालों के भी जवाब देने होंगे, लेकिन मैंने तो अभी तक ये कहानी पढ़ी ही नहीं है। गैफी, डरने की बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें यह कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। बंदर बोला, क्यों शेर, तुम तो बड़े राजा बने फिरते हो, अब क्या हुआ? यह बोलकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा। तभी गैफी, तुम्हें क्या लगता है कहानी में आगे क्या होगा? शायद शेर को गुस्सा आया होगा और वो बंदर को पकड़ने के लिए कूदा होगा। बच्चों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? चलो कहानी को पढ़कर पता लगाते हैं। अचानक से जिस डाल पर बंदर बैठा हुआ था वह टूट गई और बंदर भी उसी गड्ढे में जा गिरा और गिरते ही बोला, बच्चों क्या आप बता सकते हैं बंदर ने शेर से क्या कहा होगा? सोचो सोचो। पापा, मुझे लगता है बंदर कुछ बोल ही नहीं पाया होगा और शेर ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। और कुछ? हाँ, ये भी हो सकता है बंदर ने शेर से कहा हो कि वो दोनों गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश एक साथ मिलकर कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। बंदर ने शेर से कहा, अरे माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। बेचारा बंदर, बुरा फंसा। तो देखा गैफी, कहानी पढ़ना कितना आसान है। हाँ पापा, मैं समझ गई और अब मैं कल ये कहानी सभी को स्कूल में पढ़कर भी सुनाऊंगी। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने की। प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।